ऑस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एशिया कप 2022 के सुपर फोर मैच में टीम इंडिया पाकिस्तान से हार गई। पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीत हासिल की। मैच काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था। 2 बॉल शेष रह गए थे और पाकिस्तान को 2 रन की जरूरत थी, जिसमें 1 बॉल शेष रहते ही पाकिस्तान ने जीत हासिल कर ली। क्रिकेट के खेल में जीत हार लगी रहती है। ये गेम ऐसा है कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। दरअसल मोहम्मद रिजवान के आउट होने के बाद मैच पर भारत ने थोड़ी पकड़ बना ली थी, लेकिन इसी बीच आसिफ अली का आसान सा कैच युवा गेंदबाज अर्शदीप से मिस हो गया। इसके बाद खिलाड़ी से लेकर भारतीय फैंस तक काफी निराश हुए और इसका खामियाजा भी भारत को हार के रूप में भुगतना पड़ा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेट का खेल एक अनिश्चितताओं का खेल है, इसलिए खेल को खेल की भावना से ही देखना चाहिए और खेलना भी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ नफरती चिंटू ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ भी ऐसा काम नहीं किया होगा जिससे देश गौरवान्वित महसूस करे, लेकिन दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट जरूर बांटते फिरते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आप समझ गए होंगे। दरअसल अर्शदीप से कैच छूट गया तो कुछ सोशल मीडिया जीवी उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और खालिस्तानी बोल रहे हैं और उनके देशभक्ति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो देश के लिए खेल रहा है, ये जो लोग अर्शदीप के देशभक्ति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इनसे अगर पूछा जाए कि तुमने अब तक देश के लिए क्या किया है सिवाय सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने के बजाय, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। दरअसल ऐसे लोग किसी मानसिक बीमारी के शिकार होते हैं। ऐसे लोगों को किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है जो इनके दिमाग से कूड़ा निकालकर फेंक दे। आपको याद होगा इससे पहले मोहम्मद शमी को लेकर भी ट्रोल किया जा चुका है। इन नफरती चिंटुओं को पहले यह सीखना चाहिए कि क्रिकेट या कोई भी खेल कैसे देखा जाता है, कैसे खिलाड़ियों का समर्थन या फिर उनकी आलोचना की जाती है। पर अफसोस इन सोशल मीडिया जीवियों के दिमाग में इतना कूड़ा भर गया है कि उन्हें नफरत के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। खैर इनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अर्शदीप के बचाव में भी उतरे हैं। यहां तक कि पाकिस्तानी खिलाड़ी और दर्शकों ने भी अर्शदीप का बचाव किया है। हरभजन ने ट्वीट करते हुए लिखा, युवा अर्शदीप सिंह की आलोचना करना बंद करें। कोई भी जानबूझकर कैच नहीं छोड़ता, हमें अपने लड़कों पर गर्व है। पाकिस्तान ने बेहतर खेला, ऐसे लोगों पर शर्म आती है जो इस प्लेटफॉर्म पर अर्श और टीम के बारे में छोटी बातें कहकर हमारे ही लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। अर्श गोल्ड है। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने लिखा, अर्शदीप मजबूत इंसान है, ऐसे ही बने रहना। कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट हर्षा भोगले ने लिखा, जब कोई खिलाड़ी निराश होता है तो आपको उसके पास पहुंचना होता है ताकि वह मजबूत होकर उभरे। अर्शदीप के बारे में गंदी बातें कहने से किसी का भला नहीं होगा। हम सभी ने दबाव में गलतियां की हैं, यह समय उन्हें समर्थन करने का है। वह भारत को ढेर सारे मैच जिताएंगे। इसके अलावा पाकिस्तानियों ने भी अर्शदीप के बचाव में सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने ट्वीट कर लिखा, सभी भारतीय टीम के प्रशंसकों से मेरा अनुरोध है, खेल में हम इंसान होने के नाते गलतियां करते हैं, कृपया इन गलतियों पर किसी को अपमानित ना करें। एक पाकिस्तानी दर्शक ने लिखा, इसे समझने के लिए एक व्यापक मानसिकता की जरूरत है जो यहां स्पष्ट रूप से गायब है। अर्शदीप के लिए खेद महसूस कर रहा हूं। इस तरह से अर्शदीप को एक तरफ ट्रोल किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अर्शदीप के बचाव में भी लोग आ रहे हैं। भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्शदीप का बचाव किया है। आइए आपको सुनाते हैं कि विराट कोहली ने क्या कुछ कहा है, सुनिए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। अर्शदीप के कैच के बारे में बहुत बातें हो रही है, आप एज ए सीनियर खिलाड़ियों को क्या गाइड करेंगे और कुछ बात करेंगे उनसे, क्योंकि इतने प्रेशर वाले गेम में कैच छोड़ना उनके लिए भी इजी नहीं होगा। अभी नहीं, प्रेशर में देखिए गलती किसी से भी हो सकती है और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी, तो हम सब ने मतलब मुझे याद है मैं पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, मेरा पहला मैच था और मैंने एक बहुत ख़राब शॉट मारा था शाहिद अफरीदी को, और मैं 5 बजे तक सुबह सिर्फ सीलिंग को देख रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे लगा मैं तो वापस कभी चांस नहीं मिलेगा, मेरा करियर ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें नेचुरल है फील करने के लिए, लेकिन सीनियर प्लेयर आपके आसपास आते हैं, कल हम लोग एज ए टीम फिर इकट्ठा होंगे, तो जब माहौल अच्छा होता है तो फिर आप उस चीज़ से सीखते हैं और अगली बार अगर वैसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार
दोबारा मेरे पास कैच आनी चाहिए। तो आई थिंक वो क्रेडिट अभी जो टीम एनवायरनमेंट है वो क्रेडिट मैं मैनेजमेंट और कैप्टन को दूंगा कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि सबको लगता है कि हाँ यार हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार आएगी तो हमें चाहिए वो मोमेंट। तो जैसे कि मैंने बोला माहौल अच्छा है, उसमें गलतियाँ आपकी होंगी, आप उसको एक्सेप्ट करें, एड्रेस करें और अगली बार फिर लुक फॉरवर्ड करें कि मुझे उसी प्रेशर सिचुएशन में दोबारा आना है।